दोस्तों स्टार भारत का पॉपुलर सीरियल राधा कृष्णा इन दिनों दर्शकों के बीच बेहद फेमस हो रहा है। ये शो 28 अगस्त 2017 में स्टार भारत पर लॉन्च किया गया था। इस शो में खासकर राधा कृष्णा की जोड़ी व उनकी प्रेम कहानी दर्शकों को बेहद पसंद आ रही है। वहीं अगर बात की जाए सीरियल में किशन का रोल निभाने वाले एक्टर सुमेध की तो इन्हें कृष्ण के रोल में दर्शक बेहद ज्यादा पसंद कर रहे हैं। मगर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सुमेध से पहले टीवी के 5 पॉपुलर एक्टर को कृष्णा का रोल ऑफर हुआ था, मगर किसी न किसी कारणवश इन सभी अभिनेताओं ने इस रोल को ठुकरा दिया था। तो चलिए दोस्तों जानते हैं ये अभिनेता कौन है। फर्स्ट नंबर पे है ऋतिक अरोरा। टीवी सीरियल तू आशिकी से फेमस हुए अभिनेता ऋतिक अरोरा को भी ये रोल ऑफर हुआ था, मगर ऋतिक इस तरह के किरदार को निभाना नहीं चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने इस किरदार को करने से साफ साफ मना कर दिया था। सेकंड नंबर पे है भव्य गांधी। टप्पू के किरदार से फेमस हुए अभिनेता भव्य गांधी को भी कृष्णा का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन इन्होंने इस शो में काम करने से मना कर दिया था। थर्ड नंबर पे है गौरव सरीन। टीवी के हॉट अभिनेता गौरव सरीन को आप सभी जरूर जानते होंगे। भगवान कृष्णा का किरदार इन्हें भी ऑफर हुआ था, मगर गौरव ने इस किरदार को निभाने से मना कर दिया था। फोर्थ नंबर पे है पारस अरोड़ा। टीवी के हॉटेस्ट एक्टर पारस अरोड़ा को भी ये रोल अप्रोच किया गया था और साथ ही पारस को भी ये रोल पसंद आ गया था और वो इस रोल को करने के लिए तैयार भी हो गए थे, मगर एंड मौके पर उन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया था। फिफ्थ नंबर पे है सिद्धार्थ निगम। टीवी के बाल कलाकार सिद्धार्थ निगम को आज कौन नहीं जानता। कृष्णा के रोल के लिए शोमेकर्स ने सबसे पहले सिद्धार्थ को ही चूज किया था, मगर बिजी शेड्यूल के कारण वह इस किरदार को निभा नहीं पाए, जिसके बाद ये रोल सुमेध को ऑफर किया गया, जिसे वो आज बाखूबी निभा रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इन अभिनेताओं ने इस रोल को करने से मना करके सही किया? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारी वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।